गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, हाउ आर यू चिल्ड्रंस। बच्चों, आज हम जो डिस्कस करेंगे और आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा क्लास सेवन में, ठीक है, ये फोर पार्ट पढ़ाऊंगा, यानी लेसन वन का फोर पार्ट, ठीक, यानी फोर पार्ट की वीडियो। तो इसमें जो है पढ़ाऊंगा, और आपने पहले तीन वीडियो के बारे में देखा होगा, समझा होगा, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं, सही बच्चे बुक ओपन कर लीजिए, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है ड्रम प्लॉटर। तो इसमें पढ़ते हैं, ड्रम प्लॉटर यूज ए ड्रम रिवॉल्वर टू मूव द पेपर ड्यूरिंग प्रिंटिंग व्हाइल द पेन डज द प्लॉटिंग ऑन द पेपर। पेपर इज रैप अराउंड ए ड्रम विच रिवॉल्व टू प्रोड्यूस वन डायरेक्शन ऑफ द प्लॉट while the pen moves to provide that other direction, thus the size of the output is limited by width of the drum but can be of any length to produce multicolored drawing. Several pens with inks of different color can be mounted on the drum. ठीक है, इसमें एक ड्रम वाइज प्रिंटिंग होती है, और इसमें मल्टीपल काफ़ी सारे कलर होते हैं, ठीक है, डिफरेंट और बहुत ही कम एक तरह पेंस होते हैं, और इसमें इसकी हाइट और विथ और किसी भी यानी डायरेक्शन में इसे घुमा सकते हैं आप, जब आप इस वाले प्रिंटर पर, इस तरह के प्रिंटर पर प्रिंटिंग करते हैं, ठीक। ये अलग अलग ग्राफिक्स में यूज होती हैं, कहीं बैनर बन रहे हैं, ठीक है, कहीं बैनर बड़े बड़े बनते हैं उसके लिए छपाई होती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं माइक्रोग्राफिक जो प्लॉटर है, ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। ये देखा है, माइक्रोग्राफिक डज नॉट यूज ए ड्रम पेपर और एनी अदर मीडियम इज हेल्ड ऑन बोथ साइड्स बाय पिंच वाइल्स विच हेल्प टू मूव द पेपर बैक एंड फॉर। इसमें कहा गया कि माइक्रोग्राफिक प्लॉटर है, ठीक है, इसमें जो है ड्रम का यूज नहीं होता है, या तो पेपर या एनी अदर अन्य मीडियम हेल और बोथ साइड, दोनों साइड मतलब छपाई होती है एक तरह से इसमें। उसके बाद फ्लैट बेड प्लॉटर कंसिस्ट ऑफ ए हॉरिजॉन्टल फ्लैट सरफेस ऑन विच पेपर इज फिक्स्ड ए बेड और ट्रे होल द पेपर इन फिक्स पोजिशन एंड ए सिंगल आर्म मूव्स द पेन बोथ हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली ऑन द पेपर टू प्रोड्यूस इंक और आउटपुट। इसमें कहा गया जो फ्लैट बेड जो प्लॉटर होता है उसमें हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड पेपर फिक्स किया जाता है, उसके बाद इसमें ट्रे होती है, जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है, जैसे ये है, ठीक, ये पिक्चर, ठीक है, यहाँ पर पेपर लगे होते हैं एक तरह से, और ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक तरह से कार्य करता है। ये वाला प्रिंटर है, ठीक है बच्चों, ये वाला फ्लैटबेड जो प्लॉटर है ये है। उसके बाद पढ़ते हैं आगे, इंकजेट प्लॉटर डज नॉट यूज इंक पेंस, इट यूज जेट्स ऑफ इंक, द पेपर इज प्लेस्ड ऑन ए ड्रम एंड इंक जेट विथ डिफरेंट कलर्ड इंक्स आर माउंटेड ऑन ए कैरिज इट केपेबल टू प्रोड्यूस मल्टी कलर लार्ज ड्रॉइंग। इसमें कहा गया कि इसमें पेन का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ये लेजर, ठीक है, लेजर बीम होती है, तो उसके माध्यम से प्रिंट किया जाता है, उसको पेपर पर कलर किया जाता है और ये चित्र को छाप देता है। उसके बाद एलसीडी जो प्रोजेक्टर है, जैसे स्कूल कॉलेज में होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट लैपटॉप से प्रोजेक्टर को कनेक्ट करके आप यानी वीडियो देख सकते हैं, यानी कोई प्रेजेंटेशन इस पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें दे रखा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, इसकी जो फुल फॉर्म है एलसीडी की ये है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर टेक द इनपुट फ्रॉम द कंप्यूटर एंड शो
इट ऑन बिग स्क्रीन इट इज मेनली यूज टू डिस्प्ले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन स्कूल कॉलेज। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट एक सॉफ्टवेयर होता है, तो उसके माध्यम से प्रेजेंटेशन शो कर सकते हैं, किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वहाँ पर दिखा सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में ये बेनिफिट है या इस तरह से इसमें खासियत है। ठीक है, और स्कूल कॉलेज की कोई भी एनुअल फंक्शन की वीडियो आप देख सकते हैं, वो सब प्रोजेक्टर के माध्यम से। उसके बाद डू यू नो, आप जान सकते हैं इसके बारे में कि आप क्या जानते हो। जैसे कहा हार्डवेयर, हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, इट कंप्राइज द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस द सीपीयू एंड इट्स कंपोनेंट। कि हार्डवेयर जो है जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, जो भी कंपोनेंट होते हैं जैसे कीबोर्ड, माउस, ठीक है, ये सब जो होते हैं हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आगे पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें दे रखा है सॉफ्टवेयर के बारे में दे रखा है, तो इसमें दे रखा है सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर इसमें पढ़ते हैं सॉफ्टवेयर वर्क्स एज पर इंस्ट्रक्शन, ए ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए ग्रुप, ए प्रोग्राम, द सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इज रिक्वायर्ड टू रन और ऑपरेट ए कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कैन क्लासिफाइड एज सो ब्लो। ठीक है, इसमें कहा गया है सॉफ्टवेयर जो वर्क करता है हमारे इंस्ट्रक्शन पर, जो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को उस पर वर्क करता है सॉफ्टवेयर। एक ग्रुप होता है, एक समूह होता है, इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड ए प्रोग्राम। जो भी हम सॉफ्टवेयर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन का पालन करता है, ठीक है, और वर्क करता है, और ये प्रोग्राम को सेट किया जाता है। अभी देखते हैं, यहाँ पर सॉफ्टवेयर दे रखा है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये तीन तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें पहले बात करते हैं सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, ठीक, ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में, चार तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। उसके बाद ये रखा है ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में बैकअप सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर और डिस्क फ्रेगमेंट और डिफ्रेगमेंटर, ठीक। उसके बाद जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पैकेज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ग्राफिक एंड प्रेजेंटेशन पैकेज, अकाउंटिंग पैकेज, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, ठीक। तो इसमें आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसमें रखा सिस्टम सॉफ्टवेयर ए सिस्टम सॉफ्टवेयर रेफर्स टू ए सेट ऑफ प्रोग्राम विच हैज बीन राइटर फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट मैनेज वेरियस टास्क सच ए कंट्रोलिंग डिफरेंट ऑपरेशंस, मूविंग डेटा इन एंड आउट ऑफ द कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसमें कहा गया कि एक जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो रेफर करता है और सेट करता है प्रोग्राम को, ठीक है, प्रोग्राम को। वहाँ पर प्रॉपर कुछ कंप्यूटर सिस्टम में जो फंक्शन होते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के जो फंक्शन होते हैं, वे सिस्टम सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक तरह से कार्य करते हैं, ठीक, एग्जीक्यूट करते हैं एप्लीकेशन प्रोग्राम। उसके बाद रखा द मेन फंक्शन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो मेन जो फंक्शन है इसके सिस्टम सॉफ्टवेयर के, टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर, यानी इंक्रीज होते हैं, बढ़ते रहते हैं एक तरह से एफिशिएंसी प्राप्त कंप्यूटर के हार्डवेयर, यानी वर्क करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर पार्ट होते हैं उनको मेंटेन कंट्रोल करके रखता है और वर्क लेता है। टू मेक कंप्यूटर सिंपल एंड इजी टू यूज, यानी कंप्यूटर जो है सिंपल और इजी यूज करता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर देखा है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ वन और मोर प्रोग्राम दैट हेल्प द यूजर इन सिस्टम मेंटेनेंस टास्क ऑफ रूटीन नेचर। दिस सॉफ्टवेयर हेल्प्स द यूजर इन दिस फॉर्मेटिंग डेटा कंपेरिजन कंप्रेशन डेटा बैकअप स्कैनिंग फॉर वायरस। इसमें कहा गया जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है आपका अगर कंप्यूटर वायरस है उसको स्कैन करता है, ठीक है, डेटा जो यानी डिलीट हो जाता है उसको बैकअप करता है, ठीक, और डिस्क फॉर्मेटिंग, ये सब।
उसके बाद रखा है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में रखा है कि एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूटिलाइज द कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर डायरेक्टली टू ए डेडिकेटेड टास्क। इट हेल्प्स द यूजर टू परफॉर्म ए सर्टेन टाइप ऑफ टास्क। नोट पैड, पेंट, कैलकुलेटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दिस लिस्ट इज नेवर एंडिंग एज एवरी डे न्यू एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कम्स इनटू द मार्केट। एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, वो उसकी जो क्षमता होती है, ठीक है, वो कंप्यूटर पे जिस तरह से वर्क करता है उसमें शो करेगा, ठीक है। जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे नोट पैड, ठीक है, नोट पैड और पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सब सॉफ्टवेयर होते हैं जिन पर हम वर्क करते हैं, कैलकुलेटर, ठीक है। उसके बाद कुछ मार्केटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। तो आज के लिए इतना है बच्चों, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा इसके लिए धन्यवाद।